पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं स्क्रीन यस सर। थैंक यू। चैट को भी सामने रख के। ग्रेट सो गुड इवनिंग एवरी मैं वेलकम करता हूं आप सबका एनआईसी की तरफ से और जैसा आज का सब्जेक्ट है कि ओमेगा थ्री आपके लिए इतना जरूरी क्यों है तो आज हम फिर ओमेगा थ्री को डिटेल में जानेंगे और उस एंगल से जानेंगे कि वो हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है जरूरी तो है सबको मालूम है ओमेगा थ्री ओमेगा थ्री सब सुनते रहते हैं लेकिन ओमेगा थ्री इतना जरूरी क्यों है उस बात को आज हम समझेंगे वाई यू नीड ओमेगा थ्री इज द सब्जेक्ट ओमेगा थ्री फैटी एसिड के बारे में यदि हम शुरू करने के पहले ये पूछें कि क्या है ये ओमेगा थ्री ओमेगा थ्री फैटी एसिड हर जगह पे आप सुनते रहते हैं किसी प्रोडक्ट में सुनते हैं सप्लीमेंट के बारे में सुनते हैं डॉक्टर्स बताते रहते हैं वेलनेस एक्सपर्ट बताते रहते हैं आपके जिम ट्रेनर बोलते रहते हैं आपके न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन बताते रहते हैं आपके डॉक्टर्स बताते रहते हैं आप मैगजीन में पढ़ते रहते हैं जब भी कोई हेल्दी डाइट और हेल्दी हैबिट की बात करते हैं तो कहीं ओमेगा थ्री आसपास घूम के जाता है और ये फैटी एसिड ओमेगा थ्री फैटी एसिड ये चलता रहता है तो एक्चुअली ये क्या है और वो क्या करता है हमारे शरीर में ये चीज को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि ओमेगा थ्री न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर न्यूट्रिएंट्स। उनके पास पावरफुल हेल्थ बेनिफिट्स हैं दो चीजों के लिए आपकी बॉडी के लिए और आपके ब्रेन के लिए हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनके पास वो जो है आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो काम करता है आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा काम करता है तो ये जो है आपको हेल्दी बॉडी हेल्दी ब्रेन मेंटेन करने में मदद करता है ओमेगा फैटी एसिड एक टाइप का आ, ऐसा फैट है ऐसा फैटी एसिड है जिसका निर्माण बॉडी खुद नहीं करता बॉडी इसका निर्माण नहीं करता अपने अंदर इसीलिए इसको एसेंशियल फैट भी कहा जाता है इसका मतलब ये हुआ कि इसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते इसके बिना बॉडी सरवाइव नहीं कर सकता इसलिए एसेंशियल फैट भी है तो जरूरी है न्यूट्रिएंट है ब्रेन और बॉडी दोनों पे काम करता है और इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते उतना जरूरी चीज है और थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करें तो हम ओमेगा थ्री को अपने आहार से ले सकते हैं अपने फूड से ग्रहण कर सकते हैं और सप्लीमेंट से ले सकते हैं तो आहार में किन किन चीजों में होता है सप्लीमेंट में किन किन चीजों में होता है ये मैं तस्वीर में कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सप्लीमेंट में तो आपको एक सॉफ्ट जेल टाइप की गोली हो सकती है और यदि आप आहार की बात करें तो ये फिश में होगा नट्स में होगा और इस बहुत सारी चीजों में होगा जिसको समझेंगे पहले समझते हैं कि इसका की रोल क्या है एक की रोल की तरफ बढ़े तो ये समझेंगे कि इसका की रोल जो है आपके हर कोशिकाओं का जो वाल है जो उसका स्ट्रक्चर है उसके जो स्ट्रक्चर जो है उस पे जो है इसका की रोल है तो ओमेगा थ्री जो है आपका जो क्या बोलेंगे उसको कोशिकाओं के दीवाल का जो मेंब्रेन है उस मेम्ब्रेन के जो सराउंडिंग्स हैं उसका पूरा का पूरा जो है संरचना ओमेगा थ्री से कनेक्टेड है तो इसीलिए ओमेगा थ्री को आपके कोशिकाओं के वाल का की माना गया है कि ये उसका मुख्य भूमिका निभाता है ये आपका कोशिका मैंने दिखाया एक छोटा सा उसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ओमेगा थ्री जो है इसका कोर जो है इसके जो मेम्ब्रेन है आउटर वॉल्स हैं, उसमें इसका कोर लेना देना है ये जो है आपके आ, आ, सेल के सपोर्ट के लिए फाउंडेशन का भी काम करता है सेल मतलब कोशिका आपका जो शरीर है हम सबका शरीर ट्रिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है मतलब अनंत कोशिकाएं आप कह सकते हैं क्योंकि मिलियन की बात नहीं हो रही है ट्रिलियंस की बात हो रही है उतनी करोड़ कोशिकाओं से बना हुआ है शरीर और जब उतनी कोशिकाओं से बना हुआ है तो हर एक सेल एक यूनिट सेल है और उस सेल को हेल्दी रहना जरूरी है और जब सेल्स हेल्दी हैं तो वो बॉडी के लिए जो जो फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो वो कर पाती हैं मैंने यहां पे शरीर को दिखा के इतने सारे फंक्शंस बताए हैं और सबके सब सेल्स सब हैं तो हर का एक अपना फंक्शन है हर का एक अपना फंक्शन है और उस फंक्शन को सुचारू रूप से बखूबी तरीके से निभाते रहने के लिए ये जरूरी है कि वो कोशिकाएं स्वस्थ रहे और उसका जो है फाउंडेशन को सपोर्ट किया जाए तो ये जो आपके ओमेगा थ्री की सब्जेक्ट है वो उन कोशिकाओं के उस फाउंडेशन को ही सपोर्ट करता है और ये जो है हमारी शरीर में जो भी प्रक्रियाएं हो रही है उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये जो है मददगार होता है अब ये आपकी एनर्जी का भी सोर्स होता है इसको जरा समझते हैं और यह थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसको समझें तो ओमेगा थ्री आपका एनर्जी सोर्स है आपका फोन है अब इस फोन का एक एनर्जी सोर्स है ये फोन चार्ज है और नहीं चार्ज है ये फोन टेन परसेंट चार्ज है टू परसेंट चार्ज है और ये फोन को हमने फुल चार्ज कर लिया है बॉडी भी एक चार्जिंग ले रहा है ये इसकी जो पूरी की पूरी एनर्जी सोर्स है वो जो सोर्स है उसका वो जो है कहीं ना कहीं पे ओमेगा थ्री उस सोर्स का काम करता है ताकि बॉडी फंक्शनिंग करता रहे जो जो उसकी जरूरतें हैं बॉडी का जो फंक्शन का है उसको संचालित होता रहे उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ओमेगा थ्री प्रोवाइड करता है ओमेगा थ्री कैलोरी प्रोवाइड करता है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है और जिस एनर्जी से बॉडी अपने कार्यकलाप करता है ओमेगा तो थ्री इस तरीके से उस एनर्जी से कनेक्टेड है कैलरी प्रोवाइड करता है ओमेगा इन योर हार्ट इन योर ब्लड वेसल आपका जो लंग्स है आपका जो इम्यून सिस्टम है आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम सबसे जटिल सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि वो जो है आपके हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जितने भी हैं उनका पूरा नेटवर्क है इसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम को भी ऊर्जा की जरूरत होगी आपके हार्ट को ऊर्जा की जरूरत होगी ब्लड वेसल को ऊर्जा की जरूरत होगी सबको फंक्शन होते रहने के लिए इमेजिन कि एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन ना करे ऊर्जा उसको कम मिले वो कम फंक्शन करे तो पूरी चीजें उथल पुथल हो जाएंगी बिकॉज पूरा का पूरा हॉर्मोन प्रोड्यूसिंग नेटवर्क जो है ग्लैंड का वो पूरा का पूरा अफेक्ट हो गया तो ये ऊर्जा प्रदान करने वाला काम जो है ये करता है अब थोड़ा समझते हैं कि ये जो फैटी एसिड है वो कितने तरह का है तो बहुत तरह के हो सकते हैं लेकिन तीन तरह का मोटा मोटी है जिसको हम समझ लेते हैं और मैं आपको बिल्कुल साइंस में और बायोलॉजी में नहीं लेके जा रहा हूं मैं सिंपल बोलचाल की लैंग्वेज में आपको इतना बता देना चाहता हूं ताकि आप वाई को बड़े तरीके से समझ सके द बिगर इज योर वाई द इजियर विल बी योर हाउ तो क्यों लेना है के लिए जरा अच्छे तरीके से इसको समझ ले तो क्विकली मैं दो मिनट में यह पॉइंट आपको समझा दूंगा कि तीन तरीके के ओमेगा थ्री फैटी एसिड होते हैं एक को ए कहते हैं दूसरे को ईपीए कहते हैं और तीसरे को डीएचए कहते हैं आपने ये डीएचए और LA बहुत सारा सुना होगा टीवी के एड में भी सुना होगा कि दूध दूध में में डीएचए 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 मिलता है उसमें है उसमें डालते डालते हैं हैं ये आपके में है क्या बहुत सारा आप सुनते हो लेकिन इसको हम ठीक से समझ लेते हैं सबसे पहले इन तीन टाइप की बात करें तो पहला था ए एल ए एल ए का मतलब हुआ अल्फा लिनोलेनिक एसिड लिनोलेनिक एसिड अल्फा लिनोलेनिक एसिड ये पहला है एल ए जो दूसरा है उसका नाम है हैसिड ई एसिड ईपीए और तीसरा जो है उसको बोलेंगे डोको साइक एसिड डोको साक्सो नोक एसिड डी एच ए अब ये एल ए पी ए डीएचए का तीन टाइप मैंने आपको बता दिया पहला टाइप को अलग रखा है आपके चार्ट में वो ये बताने के लिए कि एल ए जो है प्लांट और एनिमल फूड से मिलता है ज्यादा करके शाकाहारी स्रोत में मिलता है और जो ईपीए और डीएचए है जिसको बॉक्स के अंदर रख दिया है वो एनिमल फूड में ही मिलता है मांसाहारी में ही मिलता है कुछ अलगी वगैरह में मिल जाएगा जो ग्रीन अलगी होते हैं उसमें मिल जाएगा जैसे स्पिरुलिना वगैरह है उसमें मिल जाएगा बट प्लांट और एनिमल में मिलने वाला ए एल ही है अब और एक फर्क है ए एल में और ईपीए डी के ग्रुप में ए एल जो है वो जो है प्लांट सोर्स से पाया जाएगा प्लांट सोर्स का मतलब कैसा हुआ कि फ्लैक्सीड है आप जिसको अलसी या तीसी कहते हैं या फिर सोयाबीन है या फिर, फिर कैनोला ऑयल है इन सब चीजों में एल मिलेगा ईपीए डी एच मिलेगा तो फिश ऑयल में मिलेगा इस तरीके के जो जो मांसाहारी स्रोत हैं उसमें मिलेगा और इस चीज को समझते हैं एले को एसेंशियल फैटी एसिड कहा गया है ईपीए डीएचए को नहीं कहा गया है एले को ही एसेंशियल फैटी एसिड कहा गया है क्यों ऐसा क्योंकि ईपीए और डीएचए को शरीर बना सकता है लेकिन एले को नहीं बना सकता अल्फा लिनोलेनिक एसिड एले जो है उसका निर्माण शरीर नहीं कर सकता इसको बाहर से ही लेना पड़ेगा खाद्य में ही लेना पड़ेगा इसीलिए एले को एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है और एले आपके शाकाहारी स्रोत में मिलता है और प्रचुर मात्रा में मिल जाता है तो हम उसकी बात कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ईपीए डी शरीर बना सकता है एले शरीर नहीं बना सकता ये आप तभी ग्रहण कर सकते हैं जब आप इससे लिप्त आहार को बिवरेज को कंज्यूम करें अपने अंदर लें अब हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं ये तो हुआ कि भाई आ, जो हमारा आ, क्या है ओमेगा थ्री कितने तरह का है क्या इसके आ, महत्व है अब बात करते हैं इसका सीधे हेल्थ बेनिफिट्स की। हेल्थ बेनिफिट की ओमेगा थ्री की बात की जाए ओमेगा थ्री फैटी एसिड की तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं हम यहाँ पे कुछ साइंस बैक्ड हेल्थ बेनिफिट की बात करेंगे और उसको एक एक करके समझेंगे कुछ हेल्थ बेनिफिट को वन बाय वन समझेंगे आर यू रेडी टाइप यस यदि आप रेडी हैं तो मैं एक एक करके आपको हेल्थ बेनिफिट्स बताने जा रहा हूं सुपर ग्रेट So, आप सब रेडी हैं और हम एक एक करके मुख्य जो इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनको समझते हैं सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट आपने हमेशा सुना होगा

मैं आपको तस्वीर में जैसा दिखा रहा हूं कि ब्लड नॉर्मल है और ब्लड में फैट हो गया है तो ये वैसा है तो ब्लड का फैट को सिंपल लैंग्वेज में ट्राइग्लिसराइड यदि आप कहें तो हैविंग हाई लेवल ऑफ दिस ब्लड फैट या ट्राइग्लिसराइड जो भी आपके शरीर में बन जाए तो वो जो है आपके हार्ट डिजीज के लिए एक रिस्क हो जाएगा आपके स्ट्रोक का कारण बन सकता है आपके ब्लॉकेज का कारण बन सकता है बिकॉज धमनियों में अभी फैट आ गया है वो गाढ़ा हो गया है तो ओमेगा थ्री क्या करता है तो ये जो है आपके ट्राइग्लिसराइड के बढ़े हुए लेवल को कम करता है जैसे ही फैट ज्यादा होएगा ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा इसको कम करता है इन फैट्स को कम कर देता है ताकि ब्लड आपका प्रॉपर सर्कुलेट होता रहे तो ट्राइग्लिसराइड के एलिवेटेड लेवल्स को बढ़े हुए स्तर को ये कम करने के लिए प्रूवन है साइंस बैक्ड है और इसके लिए दुनिया भर के डॉक्टर्स इसको ओमेगा 3 को उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस उसको उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और इस तथ्य को आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, सबसे पहला पॉइंट हुआ हार्ट के लिए अच्छा है ये तो समझ रहे थे लेकिन पहला पॉइंट हुआ कि ट्राइग्लिसराइड के बढ़े हुए स्तर को कम करता है अब हम दूसरी बात करते हैं दूसरा बात है ब्लड प्रेशर आपका पूरा का पूरा हार्ट हेल्थ कनेक्टेड है ब्लड प्रेशर से क्योंकि ब्लड पंप हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है तो नुकसान है तो ये ब्लड प्रेशर जो चीज है 3 क्या कर रहा है तो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है जिनका भी ब्लड प्रेशर ज्यादा है ओमेगा थ्री फैटी एसिड उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर को वो कम कर रहा है उनके आहार में ओमेगा थ्री फैटी एसिड आ रहा है तो ब्लड प्रेशर के लिए बढ़िया हो तो दो बातें तो ओमेगा थ्री ने साइंटिफिकली साइंस बैक तरीके से किया अब तीसरी बात पे आते हैं ये है आपका एच जिसको हमने जब पिछली बार कोलेस्ट्रॉल हेल्थ समझा था तो डिटेल में पढ़ाई करी थी इसके ऊपर एच का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल कौन सा था एल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये एच जो है अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल ये गुड कोलेस्ट्रॉल की बात यदि करें तो ओमेगा थ्री इस गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ऊंचा करता है बढ़ाता है तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत आपको है वही ओमेगा थ्री बढ़ाता है मतलब जो चाहिए वो उसको बढ़ाता है तो ये एक अच्छी चीज है तो इसलिए ये आपका एक और बेनिफिट हुआ और एक बेनिफिट समझते हैं ब्लड क्लॉट के बारे में हर आदमी को थोड़ा बहुत ब्लड क्लॉट होता है लेकिन ब्लड क्लॉट यदि एक लिमिट पे जाता है तकलीफ करता है तो ये बड़ा तकलीफ कर सकता है ब्लड क्लॉट मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूं कि कैसा ब्लड नॉर्मल सर्कुलेशन में जा रहा है यदि वो चिपक गए तो ब्लड क्लॉट हुआ मतलब क्या होता है तो ओमेगा थ्री आपके ब्लड प्लेटलेट को क्लंपिंग करने से बचाता है वो क्लंप हो जाते हैं टुगेदर। ओमेगा थ्री क्या करता है कि उन ब्लड प्लेटलेट्स को एक साथ क्लंप होने से बचाता है और ये इस तरीके से आपका जो हार्मफुल ब्लड क्लॉट बन रहा है जिससे भयानक नुकसान हो सकता है उसको उसके फॉर्मेशन को ही नहीं होने देता है इतना इंपॉर्टेंट है ओमेगा थ्री इसलिए मैं बता रहा था कि क्यों है आपके लिए इतना जरूरी तो ये इसलिए इतना जरूरी है कि ये इस तरीके के कुछ काम करता है जो आपके अंदर अंदर चल रहा होता है और एक बात करते हैं हार्ट से रिलेटेड कि ये जो है प्लाक की बात करते हैं प्लाक क्या होता है आपके बोलते हैं कि वो धमनी में प्लाक जम गया ब्लॉकेज हो गई तो प्लाक क्या है प्लाक जो है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट्स हैं ये जितने भी आप तस्वीर में देख रहे हैं पहले वाले में थोड़ा कम है दीवार की तरफ आना शुरू हुआ दूसरे वाले में थोड़ा बढ़ गया और तीसरे वाले में ये ब्लॉक ही कर दिया है पूरा ब्लॉक हो गया तो इसको कहते हैं पूरा ब्लॉकेज हो गया जब आप इसका पूरा का पूरा का चेकअप कराते हैं तो बोलते हैं कि ब्लॉकेज हो गया तो ये प्लाक वाली बात हो रही है अब ये प्लाक क्या चीज है तो कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट है ये कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट इसको कह सकते हैं आपके कोरोनरी आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल का जो ब्लॉक डिपॉजिट शुरू हो गया इसको हम कहेंगे प्लाक और ये क्या करेगा प्लाक प्लाक बड़ा प्रॉब्लम करेगा क्या करेगा तो ये आपके ब्लड फ्लो को जो है रिस्ट्रिक्ट करेगा खाली रिस्ट्रिक्ट ही नहीं करेगा आपके उन आर्टरीज को धमनियों को सख्त कर देगा मतलब उसको जो है क्या बोलेंगे हार्डन कर देगा सख्त कड़ा कर देगा मतलब आपको देखिए कोई आपके पास एक रबर का कोई सामान है उसको बहुत देर तक धूप में रखा 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 मौसम का मार झेल लिया तो वो इतना सख्त हो जाएगा कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई अब उसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगा ऐसा होता है टाइप यस यदि ऐसा कुछ होता है आपके पास तो कोई भी एक रबर का सामान इसको आपने रख दिया जो फ्लेक्सिबल है काफी स्मूथ है उसको यदि बहुत दिन तक धूप में रख दिया ऐसा कर दिया मौसम का मार झेल लिया तो उसकी सख्त हो जाती है तो सख्त हो जाती है तो उसकी फंक्शनिंग ही खत्म हो गई अब इमेजिन कीजिए कि आपका ये धमनी है आर्टरी है आर्टरी में ब्लॉकेज तो हुआ तो हुआ ही उसको उसने सख्त कर दिया सख्त कर दिया तो उसका फिर उसका इलाज नहीं है ब्लॉकेज को तो फिर भी कुछ करके आप क्लीन करने की कोशिश करते हैं मेडिकल में उसका इलाज नहीं होता तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसा चीज जो इस प्लाक को जमने नहीं देता इस प्लाक को कम करता है और प्लाक को जमने बनने से रोकता है कितनी इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिय की बात कर रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट हम सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं वो है ये ओमेगा थ्री इसलिए ओमेगा थ्री इतना ज्यादा रेस्पेक्टेड है इतना ज्यादा इसके बारे में चर्चा की जाती है अब हार्ट से बाहर निकलते हैं और हार्ट से बाहर निकल के कुछ दूसरे एरिया में जाते हैं सबसे पहली बात करते हैं अर्थराइटिस के बारे में और खासकर रिमेटोड अर्थराइटिस के बारे में रिमेटॉयड अर्थराइटिस काफी लोगों को होता है जहां पे कि वो मूव होते रहता है वो इस ज्वाइंट में है इस ज्वाइंट में है यहाँ पे है यहाँ पे है किसी का तो हैंड हैंड क्रिबल हो जाता है कि वो मुड़ गई तो मुड़ गई और फिर टेढ़े होने लग जाते हैं वो सब सारी बातें हो रही है तो रिमोटोइड अर्थराइटिस में ओमेगा थ्री बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्यों है ऐसा उसको समझते हैं तो ओमेगा थ्री क्या करता है तो ये स्टिफनेस को कम करने में सीधा सीधा काम करता है रिमोटोड अर्थराइटिस में क्या होता है स्टिफनेस होती है तो स्टिफनेस को कम करने में ये काम करता है और ये सप्लीमेंट और भी एक काम करता है कि ये एंटी इनफ्लामेटरी ड्रग्स का जो है ना इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है खुद ही एंटी इंफ्लामेटरी है इसको इन्फ्लेमेशन कम करने का काम ओमेगा करता है लेकिन कोई भी एंटी इनफ्लामेटरी यदि आप दवाई ले रहे हैं कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं कोई भी चीज ले रहे हैं जो एंटी इनफ्लामेटरी है तो उसका जो फायदा है उसको बढ़ा देता है और उसका पूरा फायदा ले लेता है कैसे पूरा फायदा लेता है क्योंकि ये स्टिफनेस कम करता है और कुछ ऐसी परिवर्तन इनसाइड में लाता है कोशिकाओं के जो सेल और दीवार की हम बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि सेल के में इसका सबसे ज्यादा योगदान है उसकी वजह से ये कुछ इस तरीके का वातावरण पैदा कर देता है कि वो दवाई खट करके असर करती है और बहुत बढ़िया काम होता है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन यदि आप लेते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यदि आप लेते हैं और कोई भी अर्थाइटिस वाला दर्द वाला ये वाला ये दवाई लेता है तो उस दवाई की इफेक्टिवनेस को उसकी जो जो इफेक्ट है एफिकेसी है उसको बढ़ा देता है ये ओमेगा थ्री और ओमेगा थ्री खुद भी जो है उसकी स्टिफनेस को कम करने में मदद करता है उसको जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी फीचर देता है और आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज को समझते हैं और ये भी एक बड़ी बात है जिसको आप काफी अप्रिशिएट करेंगे और आज की डेट में ये एक कॉमन चीज है वो क्या है मूड डिसऑर्डर अब डिप्रेशन भी मैंने साथ में लिखा है और डिप्रेशन तो आप ये मत सोचिए कह रहे मेरे को तो डिप्रेशन है नहीं ये मेरे काम का स्लाइड नहीं है डिप्रेशन एंड छोड़ है दूसरा छोड़ है हम इस छोड़ पे हैं हो सकता है कुछ लोग दो कदम बढ़ गए हो हो सकता है कुछ लोग बीच में पड़े हो लेकिन हर आदमी यहां से निकल चुका है स्टेशन से गाड़ी सबकी निकल गई है कोई भी आदमी यहाँ पे वो उस पॉइंट पे नहीं बैठा हुआ है कि वो कहे कि नहीं मैं तो मूड डिजॉर्डर में ही नहीं हूं और मैं कहीं पे नहीं हूं स्ट्रेस और मूड डिजॉर्डर हर एक आदमी के पास है मतलब जीरो पे कोई नहीं है जीरो से सौ का स्केल है तो सौ यदि डिप्रेशन है तो जीरो से सब आगे बढ़ चुके हैं सब किसी ना किसी बीच वाले रास्ते में अब यदि इसकी बात की जाए और अभी के समय की बात की जाए पिछले 2020 से अभी तक जो चल रहा है उसकी बात की जाए जिस तरीके का फाइनेंशियल कंडीशन और जिस तरीके का जॉब uh, अपॉर्चुनिटी जिस तरीके का uh, महंगाई जिस तरीके का चीजें जिस तरीके का भविष्य का अनसर्टेनिटी जिस तरीके के घर में प्रॉब्लम्स बीमारी को लेके रिलेटिव्स में बीमारी को लेके एक खौफ की कुछ तरीके का हमारा स्वास्थ्य का कुछ हो जाएगा ये सारी चीजें मिला के आपको कहीं ना कहीं उस तरफ ही ले जा रही है आपका बिजनेस का टेंशन आपके पढ़ाई का टेंशन आपके नौकरी का टेंशन हर चीज कहीं ना कहीं पे आपको लेके जाता है ओमेगा थ्री क्या कर रहा है तो ओमेगा आपके इस पे बहुत ऑर्गेनिक तरीके से काम करता है ऑर्गेनिक मैं बोल रहा हूं मतलब क्या होता है कि ये हॉलिस्टिक तरीके से काम करता है ये कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं है कि आपने लिया और उसको जो है एकदम आपको प, प, कोई तरीके से क्या बोलते हो कोई मादक पदार्थ दे दिया और आपको संत कर दिया वैसा नहीं कर रहा है ये ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा है कि ये आपके मूड डिसऑर्डर के मूड स्विंग पे डिप्रेशन पे स्ट्रेस पे आपका जो कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं माइंड में उस पर ये काम कर रहा है तो ओमेगा थ्री क्या करता है उसको समझते हैं तो ओमेगा थ्री कैन ईजिली ट्रेवल थ्रू योर ब्रेन सेल में आपका जो ब्रेन में सेल हैं, उस पे ओमेगा थ्री बहुत ग्लाइड कर सकता है ट्रैवल के बजाय मैं कि ग्लाइड करता है तो आपके ब्रेन में जो सेल कोशिकाएं हैं उस पर ओमेगा थ्री आराम से ट्रैवल करता है ग्लाइड करता है और वो क्या करता है तो मूड रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं इनसाइड द ब्रेन उनके साथ इंटरेक्ट करता है संवाद करता है तो यदि उस पे ग्लाइड उतने आसानी से करता है हर जगह पहुंचता है और मूड रिलेटेड जो अणु है मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ब्रेन में संवाद करता है इनसाइड द ब्रेन तो ये अंदर तक जाके हॉलिस्टिकली बिना कोई वो लिए हुए सप्रेसेंट लिए हुए, हुए या कोई ड्रग लिए हुए आपको जो है ये कंट्रोल में लाता है ये आपको शांत करता है ये आपका स्ट्रेस कम करता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी रखता है जैसा आप मैंने बताया पिछले स्लाइड में तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखने की वजह से ये डिप्रेशन को रिलीव करता है ये आपके एक्सट्रीम हुए हुए पॉइंट को रिलीज करता है तो जब कोई साइकेट्रिस्ट होता है कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं डिप्रेशन का इसका उसका तो वो हमेशा ओमेगा थ्री के इंटेक को बढ़ाते हैं हमेशा ओमेगा थ्री की मात्रा को पूरा रखते हैं इस तरह के किसी केसेस में तो एक बात हुई अब रिसर्चर्स की बात करेंगे या बहुत सारे जो स्टडी हुए रिसर्च हुए उसमें एक बात कंफर्म हुई कि कल्चर्स एंड सभ्यताएं अलग अलग उस विश्व के अलग अलग एरियाज में अलग अलग देश की बात की जाए तो जो लोग सी फूड ज्यादा खाते हैं या जो लोग मछली ज्यादा खाते हैं या जो लोग ऐसा कोई शाकाहारी फूड खाते हैं जिसमें ओमेगा थ्री की मात्रा ज्यादा है तो उन लोगों में उस कम्युनिटी में या उस तरीके के कल्चर में डिप्रेशन और सैडनेस कम पाया गया वो लोग ज्यादा हैप्पी पाए गए ज्यादा बेहतर पाए गए इसका बहुत सारे स्टडी हुए हैं आप गूगल करके देख सकते हैं कि कल्चर्स एंड सभ्यताएं जिन्होंने ज्यादा ओमेगा थ्री वाला सामान खाया चाहे वो शाकाहारी लिया या मांसाहारी लिया उनके पास डिप्रेशन या स्ट्रेस कम होता है ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है इसलिए मैंने रुक के इस स्लाइड पे आपसे इतने देर तक बात की और ये हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज दुनिया में सब कुछ आना जाना है आप यदि खुश हैं आप यदि पॉजिटिव हैं आप यदि डिप्रेशन के जैसे कोई चीज में नहीं है आप एकदम फ्री हैं तो आपके अंदर इतना क्षमता है इतना क्षमता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं आपका हंड्रेड परसेंट होना चाहिए और हंड्रेड परसेंट तभी होगा इस स्लाइड में जो कुछ भी लिखा है वो नहीं होगा आपके पास तो वो नहीं होने के लिए जो चीज चाहिए वो चाहिए आपको ओमेगा थ्री फैटी एसिड तो ये वाली चीज को हमें समझने की जरूरत है इसलिए मैं ये कहा कि बिगर इज योर वाई द इजियर विल बी योर हाउ इसका मतलब मैं ये कहना चाहता था कि मैं उन पॉइंट्स में अंदर जा जा के कुछ आपको बताना चाहता हूं ताकि आप उसकी महत्ता को समझ जाएं कि ओमेगा थ्री की महत्ता कितनी ज्यादा है और क्यों हमें बिना ओमेगा थ्री के होना ही नहीं चाहिए ये बात मैं बता रहा हूं अगली बात करते हैं अगला बात है अस्थमा का और अस्थमा को मैं आप अगेन यहां पर बोले कि भाई अस्थमा तो मुझे तो अस्थमा है नहीं तो आप ऐसा अस्थमा नहीं है बोल के मत निकले अस्थमा को आप बाकी चीजों से रिलेट करें आप पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेट करें आप रिलेट करें कि लंग में कहीं पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्या अभी आप अभी से रिलेट करें कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है क्या आप अभी से रिलेट करें कि आपको किसी तरीके की एलर्जी होती है क्या आपको श्वास का कोई बात होता है क्या हमारे यहाँ पे गांव में कहते थे कि हब्बा डब्बा हो गया उसको हब्बा डब्बा का मतलब क्या हो गया सम स्लैंग लैंग्वेज बट हब्बा डब्बा का मतलब हो गया कि उसको हुपिंग हो गया मतलब ऐसा हो रहा है किसी को देखिए बहुत जल्दी जल्दी एलर्जी हो जाती है ये जो हब्बा डब्बा हो जाए एलर्जी हो जाए ये हो जाए वो हो जाए ये सारा कुछ कहाँ पे जा रहा है ये आपके नेजल कैविटी और विंड पाइप और लंग की बातें हो रही है लंग आपका फूल रहा है पचक रहा है फूल रहा है पचक रहा है इस पर बात हो रही है लंग की कैपेसिटी की बात हो रही है लंग कितना ऑक्सीजन ले रहा है उसकी बात हो रही है और आप लंग में कितना ऑक्सीजन दे रहे हैं उसकी बात हो रही है या फिर आप सिगरेट जैसी चीज पी के और कितना उसको डैमेज कर रहे हैं उसकी बात हो रही है उसमें और कितना टार भर रहे हैं उसकी बात हो रही है तो ये हर चीज मिला जुला के आती है बट मैंने एक शब्द आपके सामने रख दिया अस्थमा तो रिसर्च में ये चीज कंफर्म हुआ या फिर यदि आप स्टडीज की बात करें इंटरनेशनल बॉडीज की तो ये चीज कंज्यूम कंफर्म गं, हुआ कि आप यदि ओमेगा थ्री कंज्यूम करते हैं ओमेगा थ्री फैटी एसिड तो ये अस्थमा को प्रिवेंट करता है प्रूवन फैक्ट अस्थमा को प्रिवेंट करता है यदि आप आ, क्या बोलते हैं आपका आ, जो आ, ओमेगा थ्री फैटी एसिड यदि आप कंज्यूम करते हैं तो ये अस्थमा को प्रिवेंट करता है अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी कैसे प्रिवेंट करता है तो मैकेनिज्म फिर से सेम है जैसा मैं अभी पहले स्लाइड में बता रहा था कि इन्फ्लेमेशन अस्थमा के लिए की कॉम्पोनेंट का, का काम करता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो ओमेगा थ्री क्या करेगा तो इन्फ्लेमेशन को लोअर करेगा ओमेगा थ्री फैटी एसिड कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज दैट एलर्जिक रिएक्शन ये दूसरा फीचर हुआ एक तो इन्फ्लेमेशन कम किया और दूसरा फीचर ये है कि ये आपके एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है रिड्यूस करता है क्योंकि एंटीबॉडी कब बनती है यदि कोई चीज से एलर्जी होगी तो तुरंत एंटीबॉडी बनती है और ये एंटीबॉडी एलर्जी होना एंटीबॉडी बनना और उसका रिएक्शन इज अस्थमा अस्थमा का सिम्टम आया तो ये क्या करता है कि ये फॉल्स एंटीबॉडी बनने से भी प्रिवेंट करता है और आ, क्या बोलते हैं उसको आप को भी कम करता है तो ये एक हॉलिस्टिक अस्थमा को आपके एलर्जी को आपके जो भी वहा जो भी आप जबा जबा, जबा बोलते हो सब चीज को ये बेहतर करता है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए और अस्थमा के लिए एक बढ़िया चीज है अब थोड़ी बड़ी चीज बात करते हैं जिसका कि शिकार आज हर लोग हो रहा है महिलाएं भी ज्यादा हो रही हैं पुरुष तो होते ही होते हैं ये है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर पहले क्या होता था दारू बहुत पीते हैं तो लीवर खराब होता था और लीवर में फैटी लीवर हो जाता था अभी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है अच्छा खासा मतलब आप टेस्ट करें दस लोग टेस्ट करें तो तीन पांच लोग को मिल जाए ऐसा कहानी हो चुका है दो लोग तीन लोग को तो मिलना ही मिलना है ये क्या चीज है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिसको हम कहते हैं एन ए एफ एल डी एन ए एफ एल डी डी मतलब डिजीज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत कॉमन होता चला गया आज की डेट में और ये किस चीज से लिंक्ड है आप समझिए ये 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 कोलेस्ट्रॉल के से 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 रिलेटेड 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 है 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 आपके आपके ओवरवेट होने और आज की डेट में ये तीन चीज आप ढूंढ के निकालिए कि कौन नहीं है कोई कहे कि हम कोलेस्ट्रॉल कम लेते हैं कोई कहे कि हम ओवरवेट नहीं है या ओबेस नहीं है तो ये तीन तरफ हर आदमी बढ़ रहा है तो ये उससे लिंक्ड है कहीं ना कहीं पे अब यदि आप ओमेगा थ्री फैटी एसिड का सप्लीमेंटेशन लेते हैं कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो ये आपके लीवर फैट को रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को कम करता है और फैटी से होने होने वाली वाली जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आगे उनको भी संभालता है और आगे बढ़ते हैं और इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को समझ लेते हैं बिकॉज अभी तक हमने हार्ट से लेके अभी तक जितनी बातें बताई हार्ट बताया फिर से एक बार रन डाउन कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या बताया आपको मैंने ये आपको हार्ट के बारे में बताया मैंने आपको ट्राइग्लिसराइड बताया ब्लड प्रेशर बताया एच के बारे में बताया ब्लड क्लॉट्स बताया प्लाक बताया ये सब हार्ट से रिलेटेड था मैंने बताया रिमोटॉयड अर्थराइटिस इसमें भी आपको मैंने इन्फ्लेमेशन uh, वाली बात कही कि एंटी इन्फ्लेमेट्री का काम करता है मैंने मूड डिसऑर्डर की बात की उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात की और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो है ब्रेन के अंदर आपका मूड रिलेटेड मोलिक्यूल्स जो है उनके साथ ये इंट्रैक्ट करता है और ब्रेन सेल के जो मेम्ब्रेन है उस पर ग्लाइड करता है और वहां पे भी एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन देता है तो यहाँ भी एंटी इंफ्लेमेटरी की बात हुई दमा की बात की अस्थमा की तो एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात की मैंने लीवर और सोराइसिस और फैटी लीवर की बात की यहां भी मैंने आपको एंटी इंफ्लेमेट इंफ्लमेशन कम करने की बात की तो इसलिए समझ लेते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट का ओमेगा थ्री से इतना गहरा रिश्ता क्यों है क्यों इतना एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ये हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा विज्ञान समझते हैं और फिर से बिना बायोलॉजी के डिटेल में जाए हुए दो लाइन के विज्ञान समझते हैं कि ल्यूकोसाइट्स और साइटोकिन्स देर आर टू थिंग्स ल्यूकोसाइट साइटोकिन्स ये जो दो चीजें हैं ये जो हैं आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन होने में की रोल प्ले करते हैं ये दो प्लेयर हैं समझ लीजिए इन्हीं के बीच में चीजें हो रही है आपकी बॉडी में यदि इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हो रहा है तो ल्यूकोसाइट्स और साइटोकाइंस इन्वॉल्व है इसमें और ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो आपके इम्यून सेल की बात करें को समझ लें एक लाइन में तो ल्यूकोसाइट आपका इम्यून सेल है एक्चुअली और साइकोटाइट साइटोकाइंस uh, क्या है तो साइटोकाइंस एक एंजाइम है तो ल्यूटो दोनों जो चीजें हैं ये मिलके आपके इन्फ्लेमेशन पे काम करती ओमेगा का थ्री क्या करता है तो ये ल्यूकोसाइट्स के और साइटोकिन्स के आ, साथ इंटरफेयर करता है और बैलेंस में रखता है ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो और ये सीधे सीधे इन्फ्लेमेशन कम करता है तो ये इकलौता सामान है जो ल्यूकोसाइट्स के साथ और साइटोकिन्स के साथ उस आ, इम्यून सेल के साथ और उस एंजाइम के साथ बैलेंस बना के इंटरफेयर करता है और उनको सुचारू रूप से चलने देता है ताकि आपका इन्फ्लेमेशन ना बढ़े इन्फ्लेमेशन कम हो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो ओमेगा थ्री का है वो केवल अर्थराइटिस पे या जॉइंट पेन पे या फिर इन सब चीज़ों पे ही नहीं दमा पे और जो जो मैंने बताया उस पर ही नहीं काम करता बल्कि ये बहुत सारे डिजीज जो इन्फ्लेमेशन से लिंक्ड हैं इन्फ्लेमेशन से होने वाले जो डिजीज हैं जैसे डायबिटीज हार्ट डिजीज कैंसर ये सारे के सारे जो डिजीज हैं ये डाई इन्फ्लामेशन से कनेक्टेड है आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा डायबिटीज होगा आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा कैंसर होगा तो ये सारे के सारे उनसे कनेक्टेड है तो दो तरह की बातें हुई दो फायदे हो रहे हैं एक तो कि ये उनके साथ ये जो साइटोक और ल्यूकोसाइट के साथ ही कनेक्ट होके बात कर रहा है उनको जो है इंटरफेयर करके बेहतर कर रहा है और दूसरा ये इन्फ्लेमेशन कम हो जाने की वजह से ये उन बीमारियों को भी बचा रहा है अब एक और चीज इसका फायदा समझते हैं आपने बहुत बार सुना होगा ओमेगा थ्री को हमेशा अल्जाइमर से जोड़ा जाता है उसको डिमेंशिया से जोड़ा जाता है जो मेमोरी लॉस हो जाता है उससे जोड़ा जाता है या फिर हमेशा कहा जाता है कि ब्रेन के लिए टॉनिक है ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है और तभी आप देखते होंगे कि कभी कभी इस बात की भी चर्चा की जाती है कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड ज्यादा होता है आपके अल्म में जो अखरोट कहते हैं आप मगज जिसको कहते हैं तो उसका आप खोल के यदि अखरोट को फोर लेंगे तो उसकी जो पूरी की पूरी शेप होती है वो आपके ब्रेन जैसी होती है और इसको एक एक तज क्या बोलते हैं अजूबे की तरह भी देखा जाता है एक कोइंसिडेंस है कि वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है और ब्रेन का शेप है उसके अंदर फाइन क्वालिटी का मे... फैटी एसिड होता है ओमेगा थ्री तो वो आपके किस काम आता है ब्रेन के काम आता है आप देखिए हमेशा कहा जाता है कि ये मगज उसको कहा ही गया है उसको कहा ही गया है कि भाई ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है क्यों अच्छा है क्योंकि उससे ओमेगा थ्री फैटी एसिड है तो ओमेगा थ्री फैटी एसिड हेल्दी एजिंग के लिए मैं ब्रेन से थोड़ा ऊपर जाके बात कर रहा हूं ताकि पूरा अम्ब्रेला में कवर हो जाए एक वर्ड यूज करें हेल्दी एजिंग एजिंग तो सबका होना है उम्र सबकी बढ़नी है और एक दिन मौत सबकी होनी है लेकिन हेल्दी एजिंग का मतलब हुआ कि जितना जीना है उतना आप जी पाए और किसी तरीके के तकलीफ में ना जाए और प्रॉपर एज होकर फिर आप जो है प्रस्थान करें उम्र से पहले आपकी मृत्यु ना हो जाए इस बात को हेल्दी एजिंग कहेंगे तो हेल्दी एजिंग के लिए ओमेगा थ्री आवश्यक है अनिवार्य है उसकी जरूरत है इतना बात समझिए अब हेल्दी एजिंग से ही कनेक्टेड है आपका ये ब्रेन का सारा इशू आपका मेमोरी लॉस हो जाना अल्जाइमर होना डिमेंशिया होना या कोई भी इस तरीके की चीज होना क्योंकि ये जो है अल्जाइमर डिजीज और डिमेंशिया को प्रिवेंट करेगा क्योंकि ये हेल्दी एजिंग पे काम कर रहा है ये पाया गया है रिसर्च में और ये पाया गया है स्टडीज में कि इसका जो है ग्रेजुअल मेमोरी लॉस जो होता है वो जो है आपके एजिंग से कनेक्टेड है और ये यदि ओमेगा थ्री की मात्रा पूरी है तो ये प्रोसेस नहीं होने देता मतलब ग्रेजुअल मेमोरी लॉस नहीं होने देता तो ये एक बात हुई अब ओमेगा थ्री के साथ एक और खासियत है ये जो ओमेगा थ्री है वो जो है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जिसको हमने पूफा कहा था अदर दर्द पी यू एफ ए पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड तो ओमेगा थ्री पूफा है और ये जो है फिश से या प्लांट सोर्स से लाया जाता है और इसको नॉन मेडिकल अल्टरनेटिव माना गया है ब्रेन फंक्शन के लिए मेडिकल अल्टरनेटिव का मतलब क्या दवाई दिया मेडिसिन दिया इंजेक्शन दिया टेबलेट दिया और इसको ओमेगा थ्री को नॉन मेडिकल अल्टरनेटिव माना गया है किस बात के लिए टू इंप्रूव योर ब्रेन फंक्शन या स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ डिमेंशिया स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर उसको कम करने के लिए इसको बढ़िया माना गया है तो ये एक बात हुई अब थोड़ी सी सुंदरता की तरफ जाते हैं और बात करते हैं इसकी त्वचा से रिलेटेड टॉपिक को ये गुड फॉर स्किन है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये अमेजिंग फॉर स्किन है सुपर फॉर स्किन है ऐसा कह सकते हैं स्किन के लिए तो ओमेगा थ्री जो है आपके मैंने बताया असंख्य कोशिकाएं ट्रिलियंस ऑफ सेल उनकी दीवार की जो मेमब्रेन है जो उसके ऊपर जो झिल्ली है परत है उसके लिए जिम्मेदार है उसका वो निर्माण कर रहा है तो यदि वो वैसा है तो आपकी त्वचा क्या है त्वचा तो पूरा का पूरा एक्सटीरियर है तो ओमेगा को आप कह सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन के लिए है है जो क्या करता आपकी त्वचा का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वही बना रहा है तो हेल्दी सेल मेम्ब्रेन होगा तो वो क्या करेगा वो त्वचा को सॉफ्ट करेगा मुलायम करेगा मुआइस्ट करेगा मतलब उसको नमी रखेगा हाइड्रेट रखेगा उसको सपल करेगा मतलब उसका जो है वो लचीलापन बना रहेगा फ्लेक्सिबल रहेगा सपल सपल त्वचा रहेगी और रिंकल फ्री रहेगा त्वचा अब आप अंदाजा लगाइए कि यदि रिंकल फ्री हो उसमें जुरिया ना पड़े वो जो है सपल हो मतलब सॉफ्ट हो वो जो है फ्लेक्सिबल हो मोस्ट हो तो त्वचा तो खिल जाएगी ना त्वचा बहुत स्वस्थ रहेगी त्वचा एकदम जमा जमा दिखेगी तो इसी को कहा हेल्दी एजिंग हेल्दी एजिंग का दूसरे फॉर्मेट पे आए तो हमने बात किया कि भाई त्वचा इस तरीके से हो सकती है ओमेगा थ्री इस तरीके से इतना सारा सफल भी करता है रिंकल फ्री भी करता है कैसे करता है तो ये तीन वे से काम करता है इसका तीन वे है तरीका ओमेगा थ्री का जो फंक्शनिंग है वो क्या क्या करता है पहले समझते हैं पहला तो करता है कि ये आयल प्रोडक्शन को मैनेज करता है और हाइड्रेशन को मेंटेन करता है आपके त्वचा में पूरा का पूरा आपका त्वचा आयल से कनेक्टेड है आइली त्वचा है ड्राई त्वचा है नॉर्मल त्वचा है आपने बहुत सुना होगा जब किसी भी घर में अपने महिलाओं से बात कर लेंगे तो वो आपको पूरा उसका साइंस बता देंगे कि, कि किसका आइली है किसका ड्राई है किसका नॉर्मल है तो ये आइल बैलेंस जो है आपकी त्वचा में ये एक बड़ा रोल प्ले करता है कि त्वचा कितना एजिंग करेगा त्वचा कितना बढ़िया रहेगा और दूसरा त्वचा के अंदर हाइड्रेशन कि कितना हाइड्रेशन बना हुआ है मतलब नमी कितनी बनी हुई है आप पानी कितना पीते हैं उससे भी हाइड्रेशन का कनेक्शन है लेकिन पानी कितना भी पी रहे हैं ओमेगा कितना है उससे हाइड्रेशन का और इस बैलेंस का संबंध है तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि प्रोडक्शन को और हाइड्रेशन को आपकी त्वचा के अंदर मेंटेन करता करता है मैनेज है दूसरी बात करते हैं रिड्यूसिंग प्री मेच्योर एजिंग का यदि बात किया जाए तो यह सबसे बड़ा काम करता है प्री मेच्योर एजिंग का मतलब क्या हुआ कि मैं हूं मान लीजिए फिफ्टी ईयर्स का तो मैं पचास साल का हूं तो पचास का दिखना चाहिए मैं पैंसठ का नहीं दिखना चाहिए मैं कम का दिखूं तो ठीक है लेकिन मैं पैंसठ का नहीं दिखना चाहिए मैं सत्तर का नहीं दिखना चाहिए तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिसका आप फेस देखेंगे त्वचा तो अच्छा देखेंगे और आपका यदि उम्र गेस करने को कहा जाए तो आप उसका उम्र जो गेस करेंगे वो ज्यादा मिलेगा तो ये जो है आपकी प्री मेच्योर एजिंग जो स्किन की है जो सरफेस है स्किन का प्री मेच्योर एजिंग बहुत सारा होगा वो ब्लैक स्पॉट देगा वो झाई देगा वो कुछ और देगा कुछ और देगा वो सूखा हो जाएगा और डल हो जाएगा ग्लो खत्म हो जाएगी रिंकल आ जाएगा टाइटनिंग कम हो जाएगी वटेवर तो रिड्यूसिंग प्री एजिंग की बात की जाए तो ये दूसरा पॉइंट था और मैंने बोला था कि मैं तीन पॉइंट बताऊंगा त्वचा के लिए तो तीसरा पॉइंट पे आते हैं और तीसरा पॉइंट है कि ओमेगा थ्री आपके त्वचा को सन डैमेज से भी बचाता है सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं और सन डैमेज की बातें करते हैं तो सन डैमेज से भी बचाने का काम ये करता है क्योंकि अगेन ये जो है सेल की दीवाल जो है उसका जो मेमब्रेन है उसके लेयर पे है उसका काम कर रहा है तो ये बचाता है तो ये तीन चीजें आपको बतानी जरूरी थी ताकि आप समझ पाए कि त्वचा के लिए आपकी ब्यूटी के लिए त्वचा ही आपका सब कुछ है आप जहां पे दिख रहे हैं बाल को छोड़ दिया जाए नाखून को छोड़ दिया जाए तो पूरा कुछ त्वचा ही है त्वचा कैसी है काला है गोरा है नीला है पीला है ऐसे फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता कि कितना ग्लो है कितना जवा है कितना मतलब बोलते हैं ना सफल है कितना टाइटनिंग है कितना बढ़िया आप, आप ग्लो कर रहे हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं सोर्सेज की कि ओमेगा थ्री बढ़िया तो है कहां से मिल सकता है इसके सोर्सेज क्या क्या हैं तो ओमेगा थ्री के यदि अच्छे फूड सोर्स ढूंढे जाए तो ए एल ए की बात करें अल्फा अल्फालिनोलिनिक एसिड की तो फूड सोर्सेज इसके हैं फिश फिश में भी कुछ खास तरीके के फिट ट्यूना फिश और ये फेस वो फिश टाइप की चीजें वालनट वालनट Walnut का मतलब वो जो मैंने अभी आपको बताया अखरोट मगज फ्लैक्सीड फ्लैक्सीड का मतलब तीसी. एक North India में तीसी बोलते हैं. कहीं पे अलसी बोलते हैं आप लोग टाइप कर सकते हैं आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं हर स्टेट में कुछ बोलते होंगे तीसी जिसको कहते हैं अलसी और जो है कैनोला आयल में भी ये पाया जाता है बट इंडियन सोर्स नहीं हुआ वो सोयाबीन आयल में पाया जाता है राशि किसी ने बताया Yes, correct. LC, काफी लोग बता रहे हैं अलसी इज दोग हिंदी बेल्ट में अलसी ही कहते हैं हमारे यहाँ पे तीसी भी कहते हैं उसको कहीं पे सोयाबीन आइल में और चिया सीड में ये सारे सोर्स की बात में बता रहा था मछली हो गया चिया सीड हो गया कैनोला ऑयल हो गया यदि आपने यूज किया हो तो चिया सीड हो गया सोयाबीन हो गया लेकिन यदि सबसे बड़े सोर्स की बात की जाए प्लांट बेस्ड सोर्स की तो प्लांट बेस्ड सोर्स में इतनी सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है ज्यादा करके बीज सीड्स चिया सीड्स के नाम आपने सुना होगा तो इन सब में अल्फा लिनोलेनिक एसिड ए एल की मात्रा होती है अब हम बात करें कि सबसे ज्यादा किसमें होती है और सबसे हाई क्वालिटी की किसकी होती है जवस किसी ने बताया है शेरकर जी ने देशमुख साहब ने महाराष्ट्र में तो ये हुआ तो ये सारा सारा जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब इसके प्लांट बेस्ड सोर्स हैं और हम प्लांट बेस्ड सोर्स की बात करने जा रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा बेहतरीन सोर्स माना जाए जिसमें सबसे बढ़िया क्वालिटी का एले मिले और प्रचुर मात्रा में मिले उसको हम कहेंगे फ्लैक सीड, अलसी, जिसके लिए हमने इतने सारे नाम अभी चैट में गिने तो ये फ्लैक्सीड का मैंने आपको एक इमेजिनरी पौधा दिखाया फ्लैक्सीड आपके सामने रख के दिखाया है और फ्लैक्सीड का ये जो है आइल दिखाया तो एनसी की चर्चा हमने उस दिन की थी यूएस गवर्नमेंट के बॉडी uh, के बारे में जिसका कि ज्ञान को सबसे बड़ा विज्ञान और ज्ञान माना जाता है बायोलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी में तो एनसीबीआई क्या कहता है के के बारे में NCBI के में शब्दों इज वन ऑफ द रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ ओमेगा थ्री फैटी एसिड दिस इज इनवर्टेड कॉमा और एनसीबीआई कंफर्म करता है कि अल्फा लिनोक एसिड ए एल ए लिनोलिनिक एसिड की मात्रा इसमें प्रचुर है तो ये इसलिए फ्लैक्सीड को इतना ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और फ्लैक्सीड हम लोग इग्नोर करते हैं जैसे अभी यहाँ पे कोई मधुबनी बिहार से पवन जी बता रहे हैं पवन महतो जी की उनके यहाँ पे तीसी कहा जाता है लेकिन हम उसको तीसी के जैसा ही समझते हैं मतलब तीसी का मैं बोल के ये बताना चाहता हूँ कि बस एक कॉमन सामान है 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 इसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं हम शहर में हो या गांव में हो हमने इसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दिया है कभी हम बहुत ज्यादा वैल्यू देते भी नहीं लेकिन उसके अंदर कितना खजाना है इसकी बात बात करते हैं अब अगेन उस तीसी की बात की जाए और यदि आप खाते भी हैं और यूज भी करते हैं तो कैसे यूज करते हैं इसकी बात आप तीसी का क्या करते हैं तो बहुत लोग तीसरी को तो भून लेते हैं और भून के उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं चाहे वो उसके बाद उसका पाउडर बनाए उसका उसके बाद कोई तरीके से राइस में इस्तेमाल करें या उसका कोई कड़ी बनाए या कुछ और करें जैसे ही भुना आपने उसका ए एल ए अल्फालिनोलिनिक एसिड डिग्रेड कर दिया आपने अब आप खाली तीसी खा रहे हो कुछ परसेंटेज शायद गलती से मिल गया तो मिल गया प्रसाद उसका कोई फायदा आप नहीं ले रहे हो लेकिन यदि आप बिना भुने खा रहे हो तो उसको चबाते रह जाए वो गले के नीचे उतरेगी ही नहीं चबा के देख लीजिए आप कभी मैंने बहुत बार चबाने की कोशिश की है बहुत भक्ति से चबाने की कोशिश की है सारा ज्ञान विज्ञान जानते हुए कि नहीं ये बहुत फायदे की चीजें चबा के लेते हैं लेकिन वो चपता ही रह जाता है उसको गल्प करने की कोशिश करें तो मुंह के अंदर जाता ही नहीं क्योंकि वो सामान जाने लायक होता ही नहीं है वो फिर तो क्या हुआ कि ये कुछ ऐसी अवधान लग जाते हैं ये व्यवधान कह सकते हैं कि आपका माइंड उसको पसंद नहीं करता उसका टेस्ट पसंद नहीं करता उसका मेथड पसंद नहीं करता और फाइनली आप उसको कहीं पे गिव अप कर देते हैं छोड़ देते हैं जानते हैं कि अच्छी चीज है बढ़िया है लेना चाहिए लेना चाहिए वाले मॉडल में आ जाते हैं फिर करते नहीं तो इसलिए ये एक पॉइंट रह जाती है जहां पे रह जाती है तो मैंने यह बताया कि एनसीबीआई के द्वारा भी ये कहा गया है कि ये फाइनेस्ट सोर्स है अब थोड़ा इसी अलसी में थोड़ा और आगे बढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें से क्या किया जा सकता है यदि वो गले के नीचे उतर ही नहीं रही है तो क्या किया जा सकता है तो ऐसा किया जा सकता है जो मैंने आपको तस्वीर यहाँ पे दिखाई है कि उसका कोल्ड प्रेस्ड आइल बनाया जा सकता है कोल्ड प्रेस्ड नो अदरवाइज क्योंकि अदरवाइज वो डिग्रेड हो जाएगा यदि आप आइल नॉर्मल तरीके से पेड़ के निकालेंगे तो डिग्रेड हो जाएगा कोल्ड प्रेस्ड आइल होना चाहिए जब कोल्ड प्रेस्ड आइल बनेगा तो वो फाइनेस्ट क्वालिटी होगा आ गया अब आपने एक लीटर आइल ले ली अब एक लीटर आइल से आपने एक्सट्रैक्ट बनाया उसको भी कंसंट्रेट किया और उसको आपने सॉफ्ट जेल में भर दिया और यदि आपने एक डिब्बी में रख ली और आपने दो सॉफ्ट जेल खा के पानी पी लिया तो दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल वे टू कंज्यूम फ्लैक्सिंग दो चीजेंट भी वो चबाना नहीं है, नहीं है एक टोकरी लाना नहीं है एक बॉटल पीना नहीं है एक टेबलेट लेना है और वो पूरे का काम कर रहा है तो कन्वीनियंट वे हुआ इजी एंड कन्वीनियंट वे लेकिन दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं इकोनॉमिकल वे और मैं प्रूव करके बताऊंगा कि वो कैसे इकोनॉमिकल है जितनी मात्रा आपको लेनी है उतनी मात्रा का टैबलेट का सॉरी कैप्सूल का यदि आप कॉस्ट निकालेंगे और यदि आप पूरे प्रोसेस का का कॉस्ट कॉस्ट निकालेंगे निकालेंगे या उसका अलसी का निकालेंगे, तो आपको ये इकोनॉमिकल पड़ेगा इस बात की गारंटी है आप चेक करके देखिए शुरू में कैप्सूल देख के लगेगा कि अच्छा है तो काफी महंगा है लेकिन आप कैलकुलेट निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना सस्ता है तो ये दो बातें मैं बताना चाहता हूँ अब ये जो है गोयंग के पास आपका जो खुद का ब्रांड है उसके पास वन ऑफ द फाइनेस्ट ओमेगा थ्री है सॉफ्ट जेल के फॉर्म में और ये हाई क्वालिटी फ्लैक्सीड का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से बना हुआ है उसके एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है और प्रीमियम क्वालिटी है तो ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है ये है आपका ओमेगा थ्री कोल्ड प्रेस्ड हुआ अब और थोड़ी सी एक जानकारी दे देते हैं यहां पे हमने अभी तक सिर्फ ओमेगा थ्री की बात की ओमेगा थ्री की तरह ही ओमेगा सिक्स होता है और ओमेगा नाइन होता है and like omega 3 omega 6 omega 9 bhi beneficial fatty acids hain omega 6 kya karta hai quickly yadi samajhna hai to omega 6 fatty acid polysaturated fatty acid hai sorry polyunsaturated fatty acid hai omega 6 jo hai polyunsaturated fatty acid hai और ये काम क्या करता है तो ये भी शरीर के लिए essential माना गया है एसेंशियल है तो यदि आप उसको खाने से ऑप्टेन नहीं करते तो वो अंदर नहीं बन रहा है इसलिए ओमेगा सिक्स को भी फूड से ऑप्टेन करना पड़ेगा ये पॉली है अब ओमेगा नाइन की यदि बात करें तो ओमेगा नाइन मोनोसेचुरेटेड है ये पॉली और मोनो मोलिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से है और नौवे स्थान पे है इसलिए ओमेगा नाइन कहते हैं तो ओमेगा नाइन जो है वो मोनोसेचुरेटेड तरीके से है और ओलेक एसिड जिसको हम ओमेगा नाइन कह सकते हैं ओमेगा नाइन को ओलेक एसिड भी कहते हैं ये जो है हमेशा से बेहतरीन माना गया है और इसको भी डायटरी फैट के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है तो क्या हुआ ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स ओमेगा नाइन जो तीनों में दिखा रहा हूं यहाँ पे तीनों के तीनों जरूरी माने गए और आपको जान के खुशी होगी कि जो गोयंग फ्लैक्सिड आइल का सॉफ्ट जेल कैप्सूल है उसमें ओमेगा थ्री भी है ओमेगा सिक्स भी है और ओमेगा नाइन भी है तीनों के तीनों है और लोडेड विथ ऑल दिस थ्री है तो ये है आपका पैक्ट विथ ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स ओमेगा नाइन और ये है डब्बा कैप्सूल का जिसमें साठ कैप्सूल्स हैं और सबके सब, सब कैप्सूल जो है सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स कैप्सूल वेजिटेरियन सोर्स है पूरा का पूरा पूर प्योर वेजिटेरियन है और जो है किसी तरीके का मांसाहारी स्रोत इसमें नहीं है ये है आपका ओमेगा थ्री जो इन सब चीजों के लिए जो अभी तक हम समझते आए थे ब्रेन हेल्थ ज्वाइंट हेल्थ इम्यून सपोर्ट सब चीजों के लिए फायदेमंद है प्लांट बेस्ड सोर्स किसी तरीके का कोई आ, आ, क्या बोलते हैं आप मांसाहारी स्रोत नहीं है कोई तरीके का बर्पिंग और स्मेल नहीं है कितने लोगों ने फिश ऑयल का कैप्सूल लिया होगा और बहुत सारा फिश ऑयल कैप्सूल खाते होंगे ओमेगा थ्री के लिए जब भी आप इस तरीके का फिश ऑयल कोई भी चीज लेते हैं तो सुबह लिया था और शाम को जो आपको डकार आती है उसमें आधा फिश बाहर आ जाता है इस तरीके का होता है क्योंकि वो एक एक अंदर वो जाके जैसे ही वो आपके स्टोमक में वो मर्ज हो जाता है तो वो चीज आपको बाहर तक देते रहती है और जिसको डकार नहीं भी आती है वो कैप्सूल खाने के बाद डकार आती है फिश ऑयल में सब लोग यस बोल रहे हैं यहां पे बेल्चिंग होती है ये एक ऐसा कैप्सूल है जिसमें ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स ओमेगा नाइन सबके सब प्रचुर सब मात्रा में मिलेंगे हंड्रेड वेजिटेरियन सोर्स मिलेगा और ये दूसरा पॉइंट जो मैंने यहां रखा है नो बर्प नो स्मेल क्योंकि किसी तरीके का कोई बर्पिंग और स्मेल मांसाहारी सामान नहीं डाला है हेयर बेन ब्रेन स्किन सबके लिए ये फायदेमंद है इसकी बात हुई ओमेगा थ्री इतने सारे फायदे से युक्त है जो अभी तक मैं गिना रहा था क्या क्या कर सकता है तो इतनी बातें कर सकता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सब हम अभी तक समझ के आए हार्ट समझ के आए आपने इन्फ्लेमेशन समझा आपने अर्थराइटिस समझा जॉइंट समझा सारा कुछ समझा हमने स्किन समझा अब प्राइस की बात करते हैं इसका एमआरपी जो है आपका ओमेगा थ्री का गोय ओमेगा थ्री एमआरपी इज एट नाइन्टी नाइन रुपीज आठ सौ निन्यानवे रुपया और ऑफर प्राइस जो है इसका फाइव नाइन्टी नाइन रुपीज है ये सिर्फ फाइव नाइन्टी नाइन रुपीज में ये अवेलेबल है और ये जो है आपके नेक्स्ट शॉपिंग में अवेलेबल है आप क्लिक करके इसको मंगा सकते हैं एंड आई एम डन विद द सेशन अब मैं क्यू एंड ए के लिए अवेलेबल हूँ आप अभी सवाल पूछ सकते हैं मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा थैंक यू सो मच सर बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन टीसी के बारे में हमने ओवरऑल यही समझा कि एक चीज जो सबसे ज्यादा अनाज में किया गया हाँ। वो है है वो टीसी और उसकी खूबसूरती यह है जैसे आपने उस दिन सहजल हाँ। के बारे में बताया था जिस दिन बोरिंगो बता रहे हाँ। बहुत सारे लोगों का जी 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 बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन अगर अपने चैटबॉक्स में लिखेंगे

कोल्ड प्रेस करके निकाला गया है उस आयल से एक्सट्रैक्ट बनाया गया उस एक्सट्रैक्ट को सॉफ्ट जेल में भरा गया है तो जो आपका ओमेगा थ्री है का, इसका नाम ही हमने क्या रखा था ओ मेगा थ्री क्यों ऐसा रखा क्योंकि ये ओ मेगा थ्री है ओमेगा थ्री है ओमेगा सिक्स है ओमेगा नाइन है, 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 है तीनों है और शुद्ध शाकाहारी है हंड्रेड परसेंट वेजिटेरियन है थैंक यू यस क्वेश्चन सुनील एक मिनट सत्येंद्र कुमार जी यू कैन क्वेश्चन। जी सर नमस्कार और नमस्कर। आप आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो की हमने दूसरी जगह से किए थे तो हम आपसे एक कंफर्मेशन करना चाहेंगे सबसे पहले तो